दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और रशिया के बीच में एक नया विवाद खड़ा हो गया, और विवाद इस बात को लेकर है कि रशिया भारत से बोल रहा है कि तुम हमसे कच्चा तेल मत लो, तुम हमसे तुम्हारे हिस्से के पैसे वापस ले लो, जबकि भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि पैसे हमें नहीं चाहिए, हम तो रूस से कच्चा तेल लेंगे। दरअसल आप सभी को बता दूं कि जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई है, तब से रशिया की जो गैस और तेल परियोजनाएं हैं वो बिल्कुल बंद पड़ गई हैं। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी जो देख रहे हो वो है रशिया का एक तेल प्रोजेक्ट जिसका नाम है सैकलेन 1, और इसके अंदर भारत की जो सरकारी कंपनी है ONGC उसकी करीब 20% की हिस्सेदारी है, और इसके तहत रशिया और ONGC मिलकर इस तेल परियोजना से कच्चे तेल को निकालते हैं। परंतु इसी तेल परियोजना के दौरान जो भी तेल निकलता है वो रशिया दूसरे देशों को सप्लाई कर देता है और उस तेल को बेच देता है, और तेल के बेचने से जो भी लाभ मिलता है वो लाभ ONGC के परसेंटेज और हिस्सेदारी के हिसाब से भारत को रशिया देना चाहता है, और यह करीब $600 मिलियन बैठ रहा है। जबकि भारत का कहना है कि हम खुद क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना इस कच्चे तेल जो कि सैकलेन 1 से निकाला जाता है वो हमें हमारी हिस्सेदारी के हिसाब से हमें भेज दिया जाए, ताकि हमारे कच्चे तेल की जो सुरक्षा है वो भी पूर्णता गारंटी के साथ पूर्ण हो जाएगी, और हमें कच्चे तेल के लिए दूसरे देश के साथ डील भी नहीं करनी पड़ेगी, और हमारी इसी परियोजना से हम कच्चा तेल लेते रहेंगे। परंतु रशिया इस बात के ऊपर मान नहीं रहा है, और अभी जब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर गए हुए थे, तब वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस मुद्दे को उठाया था, परंतु इसका समाधान नहीं हो पाया है, और रूस $600 मिलियन की पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसके कारण से ये पैसे रूस हमें दे भी नहीं सकता है। और कुल मिलाकर यह जो सारा विवाद भारत और रूस के बीच में बना हुआ है।